फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री लगातार सातवीं बार बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। बजट से हर सेक्टर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। एमएसएमई भी उन सेक्टरों में से एक है। ये सेक्टर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। देश में 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई हैं, इनमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये देश में काम करने वालों की कुल संख्या के करीब 40% है। और जिस तरह से हाल के सालों में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए योजनाओं की भरमार की है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार के बजट में भी सरकार सौगातों का ऐलान कर सकती है। क्या सरकार इस बजट में एमएसएमई के लिए योजनाओं का पिटारा खोलेगी? एमएसएमई को बजट से क्या उम्मीदें हैं? इस रिपोर्ट में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। आने वाले बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज की हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो एमएसएमई सेक्टर का भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी में एमएसएमई का 30% योगदान है। नए जमाने में अब कई स्टार्टअप्स इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। देश में बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में ये सेक्टर काफी मदद कर सकता है। ऐसे में इस बार बजट में इस सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रह सकता है। सेक्टर से जुड़े लोग वित्त मंत्री के सामने हर तरह से अपनी डिमांड रख रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के कारोबारियों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भी वित्त मंत्री से अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए की मांग कर चुका है। कोरोना महामारी के बाद इस सेक्टर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सरकार की तमाम राहत और रियायतों के बावजूद एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में सेक्टर की मांग है कि सरकार कैश फ्लो को बेहतर बनाने वाली किसी योजना को लाने का इंतजाम करें, जिसमें स्टार्टअप्स की फंडिंग का मुद्दा काफी जरूरी है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार ने एमएसएमई के फंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी छोटे उद्यमों को पूंजी जुटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री एमएसएमई की फंडिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए बजट में ऐलान कर सकती है। सवाल यह है कि इस बार बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या चाहिए? इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि सरकार को लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए और कौशल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उद्योग जगत चाहता है कि सरकार एमएसएमई पर लगने वाले नियमों को आसान बनाए। कई बार पेचीदा नियम छोटे उद्योगों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। उद्योगों को नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की भी मांग की जा रही है। सरकार ने इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 22,138 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था, लेकिन उद्योग जगत की मांग है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। सरकार ने साल 2030 तक इस सेक्टर से एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 155 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। अगर ये टारगेट हासिल करना है तो इसके लिए सरकार को एमएसएमई सेक्टर की मदद करनी पड़ेगी। तो क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमएसएमई की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? क्या इस बार का बजट छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद करेगा? ये 23 जुलाई को पता चलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बस तक।